तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद के समर्थन में उतरा सीबीआई का अफसर, कोर्ट में जाके अतीक अहमद के समर्थन में दे दी गवाही, योगी सरकार के उड़े होश तो नाराज होकर योगी ने मोदी सरकार से अफसर की कर दी शिकायत। वही आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग, बेंगलोर में बीजेपी ने ईवीएम पर किया कब्जा, करा रही है फर्जी वोटिंग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के बाद कैसे मारा गया विकास दुबे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांगा गया है जवाब, पुलिस पर हत्या कराने का लगाया गया है आरोप, योगी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिल्म के निर्माता, केरल हाईकोर्ट के आदेश पर 15 मई को सुनवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के बाद अब सलमान खान को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के समर्थन में उतरा सीबीआई का अफसर, कोर्ट में अतीक अहमद के समर्थन में दे दी गवाही, योगी सरकार के उड़े होश। जदोसा आपको बता दें कि अतीक अहमद के समर्थन में सीबीआई का बड़ा अफसर उतर आया है और उसने अतीक अहमद के समर्थन में कोर्ट में जाकर गवाही दे दी है, जिससे योगी सरकार के होश उड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद के समर्थन में सीबीआई अफसर द्वारा दी गई गवाही से योगी सरकार नाराज हो गई और योगी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस अफसर की शिकायत कर दी, जिसके बाद ये अफसर भी मुश्किलों में घिर गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस अफसर पर योगी सरकार ने आरोप लगाया है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी का इन्होंने बयान नहीं लिया। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार का कहना है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, उस हत्या से पहले उमेश पाल का इस अफसर ने बयान दर्ज नहीं किया था और उल्टे उमेश पाल के खिलाफ ही इसने कोर्ट में गवाही दे दी और कोर्ट में इस अफसर ने अतीक अहमद के समर्थन में गवाही दी और कहा कि अतीक अहमद का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन योगी सरकार से नाराज होगी और योगी सरकार ने इस अफसर के खिलाफ अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत की है और इस अफसर पर अब मोदी सरकार एक्शन ले रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर वोटिंग शुरू, बीजेपी ने कई ईवीएम में की गड़बड़ी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। राज्य में 5.3 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, इनमें 11.71 लाख वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर कई जिलों में वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ ईवीएम साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर ईवीएम खराब कर दी है और ईवीएम ऐसे है कि यहाँ पर अगर साइकिल का बटन दबा रहे हैं या फिर पंजे का बटन दबा रहे हैं तो वोट बीजेपी को ही जा रहा है, जिससे नाराज होकर बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और ईवीएम को तत्काल बदलने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, क्योंकि जितने भी न्यूज चैनलों ने ओपिनियन पोल जारी किए हैं उन सभी ओपिनियन पोलों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद कैसे मारा गया विकास दुबे, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांगा जवाब, पुलिस पर हत्या कराने का लगा आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या और अतीक के बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से भी जवाब मांगा है। असल में याचिका में बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए आरोप पुलिस पर लगाया गया है कि यूपी पुलिस इसी तरह से हत्या करा रही है और ये एनकाउंटर फैनकाउंटर नहीं कर रही, ये फर्जी एनकाउंटर कर रही है। पहले ये आरोपियों को मार देती है, उसके बाद एनकाउंटर में मुठभेड़ में उसे दिखा देती है। वहीं आपको बता दें कि इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से इसकी जाँच कराकर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर योगी राज्य में हुए हैं। इन सभी एनकाउंटरों की सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग की है, जिसके बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी जो है एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो योगी की मुसीबत बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलवानों का दिल्ली में धरना, हरियाणा में हलचल, मुश्किल में बीजेपी सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान 15 दिन से धरने पर डटे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 16वां दिन है। राजनेताओं,
पंचायतों के साथ अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। जंतर मंतर पर हर रोज पहलवानों के समर्थन में किसी न किसी बड़े राजनेता की उपस्थिति चर्चा का विषय बन रही है। वहीं पिछले दिनों आधी रात में पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच संघर्ष में सामने आए नाटकीय घटनाक्रमों का पड़ोसी राज्य हरियाणा में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली खाप खुलकर पहलवानों के समर्थन में उतर आया और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। मैं यहाँ आपको बता दें कि इस समय हरियाणा में बीजेपी मुश्किल में है। कभी भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। अगर चुनाव होते हैं तो हरियाणा में बुरी तरह से बीजेपी इस बार हारेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिल्म के निर्माता। जय दोस्तों, आपको बता दें कि द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध किए जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। निर्माताओं ने याचिका के जरिए पश्चिम बंगाल में फिल्म पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। निर्माताओं ने इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार से भी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटरों को सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। द केरल स्टोरी के निर्माताओं ने कहा है कि तमिलनाडु के कई थिएटर मालिकों का कहना है कि उन्हें फिल्म दिखाने में डर लग रहा है। कई संगठनों ने धमकी दे रखी है कि गौरतलब है कि बंगाल राज्य ने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो केरल स्टोरी फिल्म है वो बिल्कुल गलत फिल्म है, फेक फिल्म है, इसलिए इसको किसी भी कीमत पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि राज्य में दंगे भड़क सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद अब सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, उसी तरह से सलमान खान को भी अपनी हत्या का डर सताने लगा है। इसी को लेकर मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे ईमेल भेजने के एक आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार उस व्यक्ति ने कथित तौर पर मार्च में गैंगस्टर गोल्डी बराट नाम से सलमान खान को धमकी भरे संदेश भेजे थे। सलमान ने हाल ही में खुलासा किया है कि वह इससे कैसे निपट रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार ने द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करके बना दिया चुनावी मुद्दा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि विवादों में घिरी फिल्म द केरल स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। आगामी 12 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट सदस्यों के साथ फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में मंगलवार को अफसरों को निर्देश दे दिया गया है। यूपी अब मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। खुद सीएम योगी ने ट्वीट कर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की जानकारी दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इस फिल्म में जो दावा किया गया है कि केरल की 32,000 हिंदू लड़कियां लापता होकर आतंकवादी समूह ISI में शामिल हो गई और ये हिंदू से मुसलमान बन गई। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। वहीं आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को फिल्में देखने का ही समय रह गया है, क्योंकि ये लगातार फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हैं और राज्यों का नुकसान कर रहे हैं और ये फिल्म भी खुद जाकर देखते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश की जनता का टैक्स फ्री करने की बजाय इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की फिल्मों का टैक्स ये लोग फ्री कर रहे हैं। चंबे मुसलमानों को दिए टिकट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या के बाद बीजेपी के सुर बदल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी से जहां मुसलमान नाराज हैं, तो बीजेपी मुसलमानों को मनाने के लिए अब पूरी तरह से बदल गई है और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पार्टी इस रणनीति पर अमल करती दिख रही है। भाजपा ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिनमें से ज्यादातर पसमांदा यानी पिछड़ी जातियों की है। यूपी में 4 और 11 मई को दो चरणों में मतदान जो है इसका होना है। ऐसा पहली बार है जब भाजपा ने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अपने समर्थकों के साथ ये मुस्लिम उम्मीदवार यूपी में नए MY फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं। अब तक सपा के MY फैक्टर की ही चर्चा होती थी, लेकिन अब भाजपा के पास भी ये दाव है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की, जहां समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देती है, तो उसी रणनीति पर बीजेपी भी चल पड़ी है और बीजेपी ने भी अब मुसलमानों को टिकट दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली के लिए कूच करने का किया ऐलान। जदू साहब को दादे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण सरंग पर यौन शोषण के आरोप लगते हुए देश के नामी पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं।
अब की बार पहलवानों का समर्थन राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन कर रहे हैं। पहलवान भी धरने का समर्थन करने वाले संगठनों को अपने मंच पर समय दे रहे हैं। वहीं बुधवार को सोनीपत से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का एक जत्था पहलवानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुआ है। किसान जत्थे की अगुवाई कर रहे किसान नेता अभिमन्यु कुहार ने जाँच कमेटी की रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठाए हैं और जाँच कमेटी में शामिल पहलवान योगेश दत्ता को नसीहत भी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने माफ कीजिएगा पहलवानों ने आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण ने उनके साथ यौन शोषण किया है और इसी मामले को लेकर वो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी FIR ही नहीं दर्ज कर रही है, जिसके बाद अब किसानों ने भी पहलवानों को समर्थन दे दिया है और बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन की तरह ही पहलवानों का भी देश में खड़ा हो सकता है।